गाइस कैसे हो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रसना दी रिसॉर्ट ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइस आज मौसम बड़ा सुहाना है, दिल बड़ा बेईमानी है, खाने में बन रहा है क्या क्या है मुझे आपको आज ही दिखाना। तो चलिए देखते हैं बना क्या है। यहाँ पे बन रहा है आलू, तल रहा है, शायद खाना तलने की तैयारी है। क्यों खाना ही तलेगा? मैं दाल खाता हूँ। अरे तो गाइस इसे पकने के लिए छोड़ दिया गया है, पक जाएगा तो खाएंगे। आलू अभी डाली तो इसके बाद चावल डालेगी है ना? ना डाल हो खाए गाइस। आज अपन लोग आलू टमाटर और चावल पका हुआ उसको तल के खाएंगे, स्वादिष्ट यम्मी वाव। अरे जो है वैसे बना। गाइस यहाँ पे आ गया है पका हुआ चावल, तो इसको डाल के बनाएंगे और आगे ले जाएंगे, तलेंगे और क्या। तो क्या और फ्लैश जलाओ। मटर पनीर की सब्जी बहुत दिन हो गया है। तो गाइस चावल को डालने के बाद यहाँ पे आलू टमाटर के साथ बढ़िया मिक्स किया जा रहा है। तो ये हल्दी डालना ही भूल गई थी, इसलिए फिर से हल्दी डाल दी ऊपर से ताकि खाने में थोड़ी कलर आ जाए। तो गाइस यहाँ पे रेडी होने जा रहा है देसी तंदूरी चावल। मेरे कहने का मतलब अपने अपने स्टाइल की बात है यार। मेरे तरफ अपना तंदूरी है। अरे तंदूरी नहीं है, लेकिन तंदूरी से भी कम नहीं है। गाइस तला हुआ चावल और आलू टमाटर बस इतना ही है। अब इसे आप बताओ तंदूरी है कि वेस्ट। तो क्या गाइस आपके भी घर में इस तरह का चावल बचा हुआ रहता है तो खाते हैं? और कौन कौन ऐसा खाना खाना पसंद करता है? मैं तो करता ही करता हूँ, क्योंकि चावल अक्सर बच जाती है तो उसे तल के बढ़िया तंदूरी टाइप से बना के खाते हैं। तंदूरी नहीं बकचोड़। तो गाइस यहाँ पे डाल रहा है नमक। नमक डालना बस। यहाँ पे टोटल मिला के सब कुछ कंप्लीट है, बस खाने की देरी है, बस जल्दी मिलाओ और लेके आओ। अब भूख के मारे रहा नहीं जाता। वैसे तो बारिश के मौसम में पकौड़े खाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम लोग तंदूरी चावल ही खाते हैं। ओ गाइस कैसे लग रहा है देख के और कमेंट करके बताओ, कौन खाता है ऐसे इतना स्वादिष्ट चावल? सिर्फ चावल आलू टमाटर कोई खाया है आज तक? अगर किसी के घर में बनता हो ऐसे तो कमेंट करके बता देना, और हाँ लाइक करना मत भूलना। तो गाइस यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अरे देखो खाने भी लगा।